आज हम लोग बनाएंगे इटालियन टिरामिसू। इसको आप केक भी बोल सकते हो और आपको इजी घर पे आप अच्छी तरह से बना सकते हैं। ना तो इसमें टाइम लगता है और ना ही बहुत सारा इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमको। तो यहाँ पे पूरा वीडियो आप देखना और एकदम अच्छे से आप बना सकते हो घर पे। बच्चे को अच्छा लगता है, बड़े को अच्छा लगता है, वैसा तिरामिसू आपको आज बनाना सिखाऊंगी। तो पूरा वीडियो मेरा एंड तक देखना। यहाँ पे हम लोगों ने व्हिप क्रीम और कॉफ़ी, पानी और हार्ड एंड शेक बिस्किट लिया है। ये बिस्किट की जगह पे आप दूसरा भी कोई बिस्किट ले सकते हो, अदरवाइज़ मैंने हार्ड एंड शेक बिस्किट से बनाया है, आप इसके साथ टोस्ट भी ले सकते हो। यहाँ पे पानी में मैं 2 चम्मच कॉफ़ी डाल दूँगी। आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है तो कॉफ़ी 2 टेबलस्पून डालना, अगर लाइट बनाना है तो 1 टेबलस्पून डाल देना। उसके अंदर आपको शुगर डालना है तो डाल सकते हो, मैंने नहीं डाला है। इसको हम डिप करके पूरा हार्ड एंड शेक बिस्किट का एक लेयर बनाएंगे। इससे एकदम बढ़िया स्टिकी बनने जाएगा और अच्छे से हमारा सेट हो जाएगा। इसको आप पुडिंग भी बोल सकते हो। तो वैसे ही हम लोगों को सारा डिप करते करते रखना है। उसके बाद यहाँ पे हम सारा लेयर बना देंगे। ऑलमोस्ट हमारा लेयर बन गया है और इसके ऊपर हम लोग व्हिप क्रीम, ये व्हिप क्रीम आप बना के भी रख सकते हो, अदरवाइज़ अमूल की आती है वो भी ले सकते हो, लेकिन इसमें व्हिप क्रीम लोगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसका एक बड़ा सा लेयर हम बनाएंगे। अगर आपको 2 लेयर बिस्किट का बनाना है तो वो भी बना सकते हो, आप आपके हिसाब से सारा सेट कर सकते हो। ये हमारी मर्जी से करते हैं, काफ़ी लोग इसमें एग डाल के बनाते हैं, लेकिन ये एगलेस है तो हम आसानी से घर पर बना सकते हैं और हम लोग खा सकते हैं। यहाँ पे पूरा लेयर मैंने बना दिया है। इसके ऊपर मैं चॉकलेट की सेव आती है वो डाली है और उसके बाद चॉकलेट चिप्स डालूँगी मैं। ये ऑप्शनल है, आपको जो डालना है वो ऐड कर सकते हो, लेकिन मेरे पास थी इसलिए मैंने ये डाली है। अभी वापस एक लेयर हम लोग वापस बिस्किट का बनाएंगे। इसको डिप करते करते हमको लेयर बनाना है सारे। वैसे ही पूरा मैंने रेडी कर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे वापस व्हिप क्रीम का लेयर बनाऊंगी। तो ये भी अच्छे से आप बिछा देना और आपको ये स्क्वायर डब्बा लोगे तो ही बहुत अच्छा आपका बनेगा, अदरवाइज़ आप गोल लोगे तो अच्छा नहीं बनेगा। इसके बाद मैंने थोड़ा सा सेव डाली है और चॉकलेट चिप्स डाली है वापस। इसके ऊपर मैं वापस ऐड करूँगी बिस्किट वाला लेयर और उसके बाद वापस हम लोग इसके अंदर व्हिप क्रीम डालेंगे। तो वैसे ही हमको 3 लेयर बनाना है। फ्रेंड्स एकदम इजी है और बच्चे भी बना सकते हैं ये। तो ना तो हमको इसमें ओवन की ज़रूरत है, ना बेक करने की ज़रूरत है और आप आसानी से घर पे ये बना सकते हो। बच्चे केक केक बहुत करते हैं, अगर ये भी बना के आप घर में रखते हो तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और बहुत अच्छा लगेगा बच्चे को भी। ये मैंने वापस डाल दिया है व्हिप क्रीम। इसमें ना तो बेकिंग की ज़रूरत है ना कुछ भी नहीं है। इसको 7 से 8 घंटा आपको सेट करने के लिए रखना है फ्रिज में। उसके बाद मैंने थोड़ी सी वापस सेव डाली है और चॉकलेट चिप्स डालेंगे। उसके बाद आप इसके ऊपर चॉकलेट भी करके डाल सकते हो। चॉकलेट चिप्स होती है उसको भी आप लेके करते हो। मैंने इसमें ड्रिंकिंग चॉकलेट डाली है, अदरवाइज़ आपको कोको पाउडर डालना है तो भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने स्ट्रॉन्ग वाली बनाई है, कॉफ़ी का फ्लेवर ज़्यादा आएगा इसीलिए मैंने ड्रिंकिंग चॉकलेट डाली है। और इसको हम लोग ऊपर से पूरा चॉकलेट चिप्स और सेव ज़्यादा डाल देंगे ताकि एकदम बढ़िया सा टेस्ट आएगा, लुक वाइज यम्मी टेस्टी बनेगा। फ्रेंड्स आप घर पर ये ज़रूर से बनाना और कॉमेंट बॉक्स में लिखना। यहाँ पे मैंने डब्बा पैक कर दिया है, हमको ऐसा ढक्कन वाला ही डब्बा लेना है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये 7 से 8 घंटा मेरा सेट हो गया था और ये अच्छे से हम कटिंग करके सर्व कर सकते हैं। तो लुक वाइज यम्मी टेस्टी, खाने में एकदम बढ़िया, बच्चे का फेवरेट, बड़े का फेवरेट, ऐसा हमारा टिरामिसू रेडी है। फ्रेंड्स अगर मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक करना, कॉमेंट करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलना। यम्मी टेस्टी हमारी केक रेडी है। थैंक यू।